कोरोना के खिलाफ जंग में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत जरूरी है और इसीलिए आयुष मंत्रालय भी कई ऐसे विकल्प सुझा रहा है जिसके नियमित सेवन से हम अपनी इस क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कई घरेलू रसोई के सामान से बना काढ़ा भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। काढ़े में एक तो पांच चीजें हैं जिसमें दालचीनी है, फिर दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है सौंठ या अदरक भी ले सकते हैं, फिर काली मुनक्का द्राक्षा जिसको किशमिश कहते हैं और तुलसी। ये बहुत ही आसान हर किसी के घर में उपलब्ध हो ऐसी चीजें हैं और इसमें हम लेने का बनाने का तरीका भी है। जैसे घर में हम चाय बनाते हैं, चाय के बजाय अगर हम एक गिलास जो लगभग 100 ml जैसे होता है, एक गिलास पानी में चाय बनाते जैसे अगर उबालने के लिए रखेंगे, उबलते ही तुरंत हम उसमें केवल आधा ही चम्मच लेना है, वो आधा चम्मच अगर दालचीनी डालें, फिर 2 या 3 काली मिर्च का पाउडर हम अगर उसमें डालें और थोड़ा सा 2 पाव चम्मच हम सौंठ डालें, 4 या 5 काली मुनक्का उसमें डालें, क्रश करके डालना अच्छा है, और 4 से 5 पत्ते तुलसी के अगर हम डालें उसमें, और जैसे ही उबलने लगा तो थोड़ा सा चलाने के बाद अगर उबलते हुए ही एक बार उबला बॉइलिंग टेम्परेचर के बाद तुरंत उसको ढक दे और प्लेट से ढकने के बाद वो वार्म होने के बाद उसको छान के हम ले लें।